अग्रवाल सभा मारुति स्टेट परिक्षेत्र ने अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की जयंती पर शंकरगढ़ की पुलिया से भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में क्षेत्र के वैश्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान सभा के अध्यक्ष अनूप अग्रवाल ने बताया कि मारुति स्टेट से पहली बार महाराजा अग्रसेन की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। महाराजा अग्रसेन जी की 5143वीं जयंती के आयोजन पर अग्रवाल सभा मारुति स्टेट परिक्षेत्र पहली बार अपने क्षेत्र में महाराज जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया है, और जिसमें प्रमुख रूप से महाराज जी के स्वरूप की झांकी 18 युवराज जो हैं घोड़ों पर निकल रहे हैं, और महाराज जी की तस्वीर भी है, उसके बाद 3 झांकियां हैं, 40 लोगों का बैंड है, लाइट है और ऊँट है अपने, बहुत अच्छी शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सभी क्षेत्रवासियों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। हाँ जी, हमें बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है। हम पिछले 10 सालों से जो है अक्षय जयंती तो मनाते रहे हैं, लेकिन शोभा यात्रा का आयोजन हम प्रथम बार कर रहे हैं, और धूमधाम आप देख ही रहे हैं, बड़ी धूमधाम से इस यात्रा को निकाल रहे हैं। वहीं महाराजा अग्रसेन जयंती पर श्री अग्रवंश समिति महिला सभा ने आवास विकास सेक्टर 10 में माधवी रानी स्वरूप आवास पर मेहंदी और महिला संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। ये अग्रसेन सेवा समिति के द्वारा, महिला समिति के द्वारा आयोजित है। इसमें मुझे माधवी बनाया गया है, और इसमें कल ग्रीन वैली में अग्रसेन और माधवी की झांकी सजी जाएगी, और उनके 18 पुत्रों की झांकी सजाएगी। वहाँ कुछ वृद्ध लोगों की सम्मान दिया जाएगा, और बच्चों को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। अग्रवंश सेवा समिति द्वारा जो कल अग्रसेन जयंती मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में अलका जी को माधवी जी बनाया गया है, और नागेश मित्तल जी को अग्रसेन जी के स्वरूप के रूप में हमने बनाया है। तो उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ मेहंदी का कार्यक्रम और महिला संगीत का कार्यक्रम हुआ। आज यहाँ महिला संगीत हुआ है। ये अलका जी बनी हैं माधवी जी, रानी माधवी जी, और इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं हम अग्रवाल परिवार की ओर से, सभी परिवार की ओर से बहुत बधाई। महिला संगीत कार्यक्रम में महिलाओं ने फिल्मी गीतों पर जमकर डांस किया। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।